हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट बैंड्स के बारे में, जो कि आपको 2500 के अंदर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप 5 स्मार्ट बैंड्स जो है वो सिलेक्ट किए, हैंड पिक किए आपके लिए, जो कि आप बाय कर सकते हो अभी। और सारे जो भी बैंड्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, इसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो आपको कॉमन मिलने वाले हैं। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है, जो भी फीचर्स आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी है आपकी, तो वो वाला स्मार्ट बैंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते और फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो स्मार्ट बैंड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो है Realme की तरफ से, Realme बैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो आपको 0.96 इंच का मिलने वाला है। इसके अंदर डिस्प्ले टाइप जो है वो कुछ मेंशन इन लोगों ने किया नहीं है। इसके अंदर आपको हार्ट रेट मॉनिटर और SpO2 लेवल मॉनिटरिंग का सेंसर है वो भी दिया हुआ है। आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पाँचों जो मैं यहाँ पे बैंड्स डिस्कस करूँगा, यहाँ पे बैटरी लाइफ इन लोगों ने सब लोग ने मिनिमम 10 और मैक्सिमम 14 डेज का बताया हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मैं मी बैंड 3 यूज़ कर चुका हूँ, उसको मैंने बेच के फिर मी बैंड 4 भी बाय किया था। मी बैंड 4 जो है वो अभी करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये मी बैंड 4 है, इसमें मैंने अलग से स्ट्रैप अमेजन से परचेस करके यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मी बैंड 4 है, तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। मेरे को पता है कि बैटरी लाइफ जो है वो ये जो बैंड्स रहते हैं, लोग क्लेम तो करते हैं 10 टू 14 डेज़ के आसपास, पर अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो मैक्सिमम ये 4 डेज तक चलेगा, 3 टू 4 डेज तक आपका जो बैंड है वो चलने वाला है। मेरा जो स्मार्ट बैंड है उसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता हूं। मैं सिर्फ एज अ वॉच टाइम देखने के लिए यूज़ करता हूं, और जो कॉल नोटिफिकेशन है उसके लिए यूज़ करता हूं। मैंने मैसेज वगैरह जो भी ऐप नोटिफिकेशन वो ऑन नहीं रखे हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी 5 आज मैं यहाँ पे बैंड डिस्कस करूंगा उसमें उन लोगों ने ऑन पेपर 10 टू 14 डेज बैटरी लाइफ क्लेम की हुई है, पर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आपको मैक्सिमम 3 टू 4 डेज जो है वो ये बैंड चलने वाला है। अगर आप एकदम मेरी तरह ही कम यूज करते हो बैंड, तो फिर आपका ये 7 टू 8 डेज तक चल जाएगा। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, तो एक्टिविटी ट्रैकर वो भी है ये बैंड में, Realme बैंड में। इसमें इन लोगों ने बताया 9 मोड्स है एक्टिविटी ट्रैकिंग के, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग वगैरह होता है, वो सारे जो मोड्स है। अलग अलग बैंड्स में आपको अलग अलग जो एक्टिविटी ट्रैकिंग के नंबर्स दिखाई देंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारे बैंड्स हैं इसमें जनरली सारे कॉमन एक्टिविटीज जो है वो कवर्ड हो जाते हैं। तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है कि एक्टिविटी ट्रैकिंग इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो म्यूजिक कंट्रोल जो है, म्यूजिक कंट्रोल आपको ये 5 जो बैंड में यहाँ पर डिस्कस करूँगा उसमें मिलने वाला है, तो इसमें भी आपको मिल रहा है। कैमरा कंट्रोल जो है वो नहीं है Realme बैंड में, प्लस केबल फ्री चार्जिंग जो है इसके अंदर मिलने वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने एडिशनल चार्जर या एडिशनल वायर या चार्जिंग डॉक दिया नहीं है। ये जो बैंड है स्मार्ट बैंड को ये स्ट्रैप से आप डिटैच करो, और यहाँ पे USB दिया हुआ है पोर्ट, तो इसको आप कोई भी चार्जर में लगाओ, PC में लगाओ, लैपटॉप में लगाओ, वहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हो। मतलब ये आपका केबल फ्री चार्जिंग इसमें सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट के अंदर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे 5 बैंड्स हैं, इसमें आपको जो नोटिफिकेशन है जैसे कि कॉल नोटिफिकेशन, मैसेज नोटिफिकेशन और बाकी सारे ऐप्स के जो नोटिफिकेशन जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं इन लोग के ऐप की यूज़ करके। और इसमें और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सारे बैंड्स हैं इसके अंदर आपको कॉलिंग नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज नोटिफिकेशन आएगा, पर दोनों में आप उनको रिप्लाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप कॉल को आप रिजेक्ट या फिर म्यूट कर सकते हो, पर उसको डायरेक्टली वहाँ से पिक करके उसको आंसर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्मार्टफोन का यूज़ करना पड़ेगा, फ़ोन से ही आपको बात करना है, फ़ोन से ही आपको पिक करना है। और अगर मैसेज के नोटिफिकेशन की बात करें तो मैसेज के नोटिफिकेशन आएंगे सारे ऐप्स से, पर उसको आप रीड कर पाओगे, उसको आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको स्मार्टफोन का यूज़ करके उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट फीचर की बात करें तो स्लिप ट्रैकिंग भी आपको सारे जो बैंड्स में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मिलने वाला है, और वाटर रेजिस्टेंट भी आपको सारे बैंड्स में मिलने वाला है। किसी में आपको जैसे Realme बैंड में आपको IP68 का रेटिंग मिल रहा है, मतलब इसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट मिलने वाला है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादा करके स्प्लैश वगैरह पानी का रहेगा तो ये सर्वाइव कर देगा। इसमें किसी में लिखा हुआ है 50 मीटर्स तक ये बैंड जो है चलने वाला है, मतलब आप स्विमिंग कर सकते हो इसके साथ पे, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़्यादा पानी में इसको मत रखना, नहीं तो ये बंद हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। और वाटर डैमेज के लिए कंपनी कुछ भी आपको वारंटी गारंटी नहीं देती है, तो नॉर्मल जो वाटर है, स्प्लैशेस है वगैरह, तो वो ये आराम से सर्वाइव कर देता है। तो ये 5 जो बैंड्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा उसमें सब में ये वाटर रेजिस्टेंट का फीचर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस
तो ये आपको 1599 में मिलने वाला है, पर सेल डेज वगैरह या कुछ ऑफर्स चलते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे तभी ये 1299 1300 के आसपास मिल जाता है। ये जो था ये फर्स्ट बैंड था मेरे जो हैंडपिक लिस्ट है उसके अंदर। नेक्स्ट बैंड की बात करेंगे तो नेक्स्ट बैंड मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो रेडमी की तरफ से है, रेडमी बैंड। तो Redmi Band जो है इसका थोड़ा डिस्प्ले साइज़ जो है वो बड़ा है, 1.0 इंच का लिखा हुआ है। जैसे Realme Band का मैंने बताया आपको वो 0.96 का था। इसमें डिस्प्ले टाइप आपको बताया हुआ है, इसमें आपको LCD पैनल मिलने वाला है डिस्प्ले में, हार्ट रेट मॉनिटर भी मिलेगा, SPO2 मॉनिटर भी मिलने वाला है, और बैटरी लाइफ जैसे मैंने आपको बताया सारों में 10-14 डेज में मिलने वाली है। इसमें एक्टिविटी ट्रैकिंग के मोड्स अगर बात करें तो 5 मोड्स आपको मिलने वाले हैं, म्यूज़िक कंट्रोल आपको मिलेगा, कैमरा कंट्रोल आपको नहीं मिलने वाला है, और इसमें भी आपको वायरलेस चार्जिंग मिलेगी, मतलब केबल फ्री चार्जिंग मिलने वाली है। इसका भी सेम सिस्टम है, आपके जो स्ट्रैप है उसको आप डिटैच करो अपने बैंड से और फिर डायरेक्टली आप कहीं पे भी आपके लैपटॉप PC या फिर चार्जर पे लगा के इसको चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसमें भी आपको सारे नोटिफिकेशन अलर्ट्स मिलेंगे ऐप्स के, कॉल्स के और मैसेज के। इसको आप कॉल्स की बात करें तो पिक नहीं कर सकते, सिर्फ एंड और रिजेक्ट कर सकते हो, और मैसेज में भी रिप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो इसके अंदर भी आपको स्लिप ट्रैकिंग मिलने वाला है, वाटर रेजिस्टेंट भी है ये, और इसका जो प्राइस है वो भी 1599 का है। इसका भी 1200-1300 के बीच में आपको प्राइस मिलता है सेल डेज ऑफर डेज जब भी रहता है। तो ये था सेकेंड ये लिस्ट में टॉप 5 2500 के अंदर के बैंड के लिस्ट में। नेक्स्ट जो थर्ड बैंड है वो मैंने शॉर्टलिस्ट किया वो है ऑनर का बैंड। फर्स्ट फीचर की बात करें तो इसका डिस्प्ले साइज़ जो है वो 0.95 इंच का है, जो कि थोड़ा छोटा है रियलमी बैंड से और रेडमी बैंड से बहुत छोटा है। अभी तक जितने भी बैंड हम लोग ने डिस्कस किए इसमें मैक्सिमम साइज़ जो डिस्प्ले का था वो रेडमी बैंड का था, तो वो एक एडवांटेज है। पर अभी नेक्स्ट फीचर की बात करें, मतलब डिस्प्ले टाइप की बात करें, तो डिस्प्ले टाइप में एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलने वाला है ऑनर बैंड में, जो कि दोनों बैंड प्रीवियसली हम लोग ने डिस्कस किया उससे अच्छा होने वाला है, क्योंकि रेडमी बैंड जो है उसमें आपको LCD डिस्प्ले मिल रहा है और रियलमी बैंड में आपको शायद OLED मिल रहा है, पर उसके बारे में कुछ भी कंपनी ने वेबसाइट पे या कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट हार्ट रेट और SPO2 आपको मिलने वाला है इसमें, SPO2 मतलब ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग भी आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि प्रीवियस दो बैंड में भी आपको मिल रहा था। बैटरी लाइफ सेम 10-14 डेज के आसपास मिलेगी। एक्टिविटी ट्रैकिंग इसमें मोड्स ज़्यादा बताए हुए हैं कि 10 मोड्स आपको मिलने वाले हैं एक्टिविटी ट्रैकिंग के। म्यूज़िक कंट्रोल आप इससे कर सकते हो, कैमरा कंट्रोल आप इससे कर सकते हो, जो कि दोनों बैंड में नहीं थे, रेडमी के बैंड में और रियलमी के बैंड में कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन नहीं था, मतलब रिमोट कंट्रोल जो होता है वो आप बैंड से कर सकते हैं। जैसे आप इमेज क्लिक कर रहे हो आपके फोन का कैमरा जो है वो आप रिमोटली आपके बैंड से ऑपरेट कर सकते हो। इसमें आपको एक डिसएडवांटेज है कि आपको एक चार्जिंग के लिए आपका चार्जर लगेगा, मतलब आपका फ़ोन का चार्जर लगेगा और वायर लगेगा, क्योंकि इसके अंदर इन लोग ने केबललेस चार्जिंग नहीं दिया हुआ है। हाँ, पर इसके अंदर आपको USB पोर्ट दिया हुआ है, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे साइड में आप देख सकते हो इमेज में, यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ से आपका जो फ़ोन का चार्जर है वो यूज़ करके चार्ज कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं और डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। जैसे प्रीवियस दो बैंड्स थे उसके अंदर डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो जो बैंड के साथ लगा हुआ USB टाइप का जो पोर्ट दिया हुआ है वो अगर टूट जाता है तो फिर आपका पूरा बैंड जो है वो वेस्ट हो जाएगा। पर इसके अंदर कैसे है, इसके अंदर आपको जैसे मोबाइल में चार्जिंग पोर्ट देते हैं वैसे दिया हुआ है, इसकी वजह से अगर पोर्ट ख़राब भी हो जाता तो उसको आप चेंज करवा सकते हो। हालांकि 2500 के बैंड में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, नया ही लेना बेटर रहेगा। फिर भी एक डिसएडवांटेज भी है एक एडवांटेज भी है, नोटिफिकेशन अलर्ट्स इसमें भी आपको मिलेंगे सारे, जैसे कॉल मैसेज वगैरह, और स्लिप ट्रैकिंग आपको इसमें भी मिलने वाली है, वाटर रेजिस्टेंट भी है, इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत इसका प्राइस ज़्यादा है, 2199 का आपको मिल रहा है। और जो भी बैंड्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसके वापस बता रहा हूँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन रहेंगे। तो ये हो गया थर्ड बैंड के बारे में। अभी फोर्थ और फिफ्थ बैंड के बारे में बात करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ एक साथ क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि फोर्थ जो बैंड है वो Xiaomi का Mi Band 5 है। जो लास्ट बैंड है वो Mi Band 4 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ Mi Band 4। Mi Band 4 और Mi Band 5 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिस्प्ले साइज़ में डिफरेंस है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो डिस्प्ले साइज़ है Mi Band 5 का वो 1.1 इंच का है, जो कि Mi Band 4 में 0.95 इंच का था। दोनों में आपको AMOLED स्क्रीन है, दोनों में आपको SPO2 मतलब ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर और हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिलने वाला है, प्लस आपको बैटरी लाइफ जो है वो 10-14 डेज की मिलने वाली है। और एक्टिविटी ट्रैकिंग में लोग ने बताया हुआ है कि Mi Band 4 में 6+ एक्टिविटीज़ है ट्रैक
ट्रैकिंग मोड्स और 11 ट्रैकिंग एक्टिविटी ट्रैकिंग मोड जो है मी बैंड 5 में मिलने वाले हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ, जनरली कॉमन जो भी एक्टिविटीज़ रहते हैं वो दोनों बैंड में आपको सिमिलर मिलने वाले हैं, बाकी सारे बैंड्स में भी आपको सिमिलर मिलने वाले, तो इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है। प्राइस डिफरेंस होने वाला है, डिस्प्ले डिफरेंस होने वाला है थोड़ा बहुत। म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल दोनों में आपको मिल रहा है, मी बैंड 5 में भी मिलेगा, मी बैंड 4 में भी आपको मिलने वाला है। हाँ, इसमें दोनों में एक डिसएडवांटेज है, आपको उनका प्रोप्राइटरी चार्जिंग डॉक कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मी बैंड 4 का डॉक है वो अलग है, मी बैंड 5 का जो डॉक है वो अलग है। मी बैंड 5 में उन लोग ने मैग्नेटिक डॉक दिया हुआ है, पर ये प्रोप्राइटरी है, तो अगर आपके पास यूएसबी पोर्ट वाला चार्जर है, आपके मोबाइल का चार्जर है और उसका वायर है, तो उससे आप टाइप सी पोर्ट या फिर नॉर्मल यूएसबी पोर्ट जो है उससे आप इसको चार्ज नहीं कर पाओगे, आपको इसका प्रोप्राइटरी चार्जिंग जो वायर है वो कैरी करना पड़ेगा। वही सेम मी बैंड 4 का भी है, दोनों में वही प्रोप्राइटरी डॉक है, वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपने वो घुमा दिया 8 दिन के बाद में, या फिर आपने कभी ऐसे सोचा कि आपको स्मार्ट बैंड नहीं पहनना है, आप नॉर्मल वॉच पहनोगे, और बहुत दिनों के बाद में, बहुत महीनों के बाद में अगर इसको यूज़ करना चाहोगे तो आप वो चार्जिंग डॉक ढूंढते बैठोगे, तो ये मेजर डिसएडवांटेज मेरे को लगता है ये दोनों भी बैंड में, मी बैंड 5 और मी बैंड 4 में, जो कि आपको रियलमी बैंड और रेडमी बैंड में नहीं आने वाला, क्योंकि उसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रहा है। वायरलेस चार्जिंग मतलब उसके अंदर ही इनबिल्ट चार्जिंग का सिस्टम दिया हुआ है। अनर बैंड में क्यों बेस्ट है, वायरलेस चार्जिंग नहीं है, पर आपके फ़ोन के चार्जर से आप उसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यूएसबी पोर्ट जो मोबाइल में आता है वो दिया हुआ है। अभी नोटिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, भी आपको माइक्रोफोन जो है वो नहीं दिया हुआ है, मी बैंड 5 में भी नहीं है, मी बैंड 4 में भी नहीं है, तो आप सिर्फ कॉल का नाम देख सकते हो, उसको रिजेक्ट म्यूट कर सकते हो, और रिप्लाई करने के लिए आपको स्मार्टफोन से रिप्लाई करना पड़ेगा, मैसेज का भी वही है। बाकी आपके सारे ऐप नोटिफिकेशन जो भी आपको चाहिए वो आप मी फिट ऐप से इसको ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्लीप ट्रैकिंग, तो स्लीप ट्रैकिंग भी इसके अंदर आपको मिलने वाला है। वाटर रेजिस्टेंट दोनों में आपको मिलेगा, और दोनों के प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे मी बैंड 4 आपको 2299 का मिल रहा है, मतलब 2300 का, और 2500 मतलब 2499 का आपको मी बैंड 5 मिल रहा है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पर अगर आपके पास बैंड नहीं है, स्मार्ट बैंड नहीं है, तो डेफिनेटली आप मी बैंड 5 परचेस कर सकते हैं अभी के टाइम में। अगर आपके पास ऑलरेडी मी बैंड 4 है तो आपको अपग्रेड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सिमिलर फीचर्स है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्प्ले के साइज में डिफरेंस है। इतना आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा अगर मी बैंड 4 आप यूज़ कर रहे हो। तो पांचों में से आपको कोई भी बैंड परचेस करना है तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, और कोशिश करना मेरी जो लिंक्स मैंने प्रोवाइड की है वहीं से शॉप करने की, ताकि चैनल को हेल्प होगा ग्रो करने के। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये बैंड्स के बारे में चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे बैंड है वो ये प्राइस रेंज में मिलते हैं, मतलब 2500 के नीचे, पर जो मैंने ये शॉर्टलिस्ट किए सबसे बेस्ट लगते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि स्मार्ट बैंड खरीदने के बाद में उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जैसे बैटरी लाइफ इशू, डिस्प्ले इशू, ऐसे कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है इसमें आपको 99% तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, हालांकि एक्सेप्शंस होते हैं, कोई कोई बैंड में कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर शेयर करके बताना आपका ओपिनियन, सजेशन, और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ये बैंड्स या किसी और स्मार्ट बैंड्स के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। मेरे पास मी बैंड 4 है तो आपको इन डेप्थ रिव्यू चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मी बैंड 4 के बारे में, तो वो भी आप कमेंट्स में लिख के मेरे को पूछ सकते हो, उसका डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए मैं लेके आ सकता हूँ अगर आप चाहो तो। ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो, दोनों में से कुछ ना कुछ करके जाना। वीडियो देख रहे हैं कुछ ना कुछ करके ही जाना है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, कमेंट करना है, और ऐसे टाइप के वीडियोज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बेल आइकन दबाओगे तो उसको ऑल नोटिफिकेशन पे कर देना। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, मिलता हूँ आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।